उदयपुर शहर के बीच तंग गलियों में स्थित फूटा दरवाजा सिंधी बाजार राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय के अंदर 11वें 5 दिवसीय आयुर्वेद पंचक्रम शिविर का समापन हुआ। औषधालय शिविर का अवलोकन एवं निरीक्षण अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर संभाग डॉक्टर प्रतिमन राजोरा ने बताया कि आयुर्वेद पंचक्रम चिकित्सा विधा में जीर्ण एवं जटिल रोगों से पूर्ण लाभ होता है। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर डॉक्टर रमेश चंद्र बेरवा ने बताया कि इस प्रकार के शिविर आगे भी लगाए जाएंगे जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अधिकारियों ने औषधालय के नवाचारों को सराहा। डॉक्टर शुभलाल औदिच्य ने बताया कि आयुर्वेद विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार औषधालय के प्रत्येक माह में 2 पंचक्रम शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आमजन को लाभ मिलने और बढ़ती संख्या को देखते हुए अगला शिविर 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। इस शिविर में कुल 48 रोगियों ने विभिन्न बीमारियों में लाभ लिया, जिसमें जॉइंट पेन, कमर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याओं में लाभ लिया। शिविर में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया, जिनकी उत्कृष्ट सेवाओं से रोगियों को लाभ मिल रहा है। ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।